शनि पूजा विधि। शनि पूजा की एक विधि वेदों में और दूसरी तंत्र शास्त्र में कही गई है। मनुष्य को उचित है कि वह प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम शनि का ध्यान करे, तदुपरांत संध्या दर्पण जप आदि करके शनि के सगुण रूप का पूजन करें। शनि के सगुण रूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी चांदी की, पांचवी पीतल की, और पृथ्वी पर बने हुए चबूतरा आदि की और मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सम्यक रूप से पूजन करना उचित है। उपयुक्त प्रकार की मूर्तियों के भी दो भेद होते हैं, एक चल दूसरा चल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाए उसे चल समझना चाहिए, और जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित हुई हो कि वह फिर ना उठ सके उसे अचल जानना चाहिए। अस्तु, इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगावे, वस्त्र आभूषण पहनाकर धूप दीप पुष्प निवेद आदि से पूजन करके दर्पण दिखावे, पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बने हो उनका पूजन करते हुए सर्वप्रथम शनि ध्यान धरना चाहिए। जो लोग शनि की मानसी पूजा करना चाहे उन्हें उचित है कि वे अपने मन में ही शनि की चाह जिस स्वरूप का ध्यान धरकर मूर्ति की ही भांति ध्यान में धूप दीप पुष्प निवेद आदि से पूजन करें। शनि का पूजन करते समय शंख गदा पद्म शौंग धनुष बाण नंद सुनंद पुष्य सुशील गरुड़ पशुक सेन सुनाम ये नवोपाषद दुर्गा गणेश वेद व्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को बहुत अधिक प्रिय है उन सबको बनाकर शनि का भोग लगावे। यदि प्रतिदिन सब मनुष्य सब वस्तुएं ना बन सके तो अन्नकूट पर्वों के दिनों में सभी व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हो उन्हें उचित है कि वे आहन तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। हवन करते समय अग्नि में भी शनि के स्वरूप को देखना चाहिए और जल एवं सूर्य को भी शनि का ही रूप समझना चाहिए। शनि के चरणों में अपना हृदय लगाए रहे और पूजन में निर्वृत होने के उपरांत शनि को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना दास बनाकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजा करने के उपरांत चरणामृत का पान करें, तदुपरांत जिन वस्तु का भोग लगाया जाए उसी प्रसाद को ग्रहण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनि की लीला चरित्रों को सुनना, दिन रात मेरे ही भजन में नील रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए। जो मनुष्य धनी हो उन्हें उचित है कि वे धन द्वारा शनि की मूर्ति बनवाए और उनका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी गांव वन बाग आदि को उसी से समर्पित कर दें। मंदिर के अर्थ में दान की हुई भूमि अथवा अन्य वस्तु को बेचने या किराए पर उठाने की इच्छा कभी ना रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।